भक्ति और शक्ति के सबसे बड़े महाबली राम भक्त हनुमान। हनुमान जयंती राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में समूचे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महाबली हनुमान को सर्वशक्तिमान देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता हैं। ये चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित हैं। हमारे यहाँ धोलीमणि हनुमान जी के मंदिर में विशेष कार्यक्रम होते हैं। अभी नौपारायण चल रहा है, अब हनुमान जयंती 19 तारीख को आ रही है, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यहाँ भव्य श्रृंगार होता है, भव्य झांकी होती है। और यहाँ से काफी समय से मेरे दादा परदादा सेवा कर रहे हैं, मेरा सुनना कैलाश पुजारी है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म माँ अंजनी की कोख से हुआ। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, जो वानर देव के रूप में इस धरती पर राम भक्ति और राम कार्य सिद्ध करने के लिए अवतरित हुए। अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला। इसी वरदान और अपने इष्ट श्री राम की कृपा के कारण हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हरने में सक्षम हैं। के दिन जैसे सुंदरकांड के पाठ होते हैं, भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, नई पोशाक चढ़ाई जाती है, चोला पहनाया जाता है भगवान को नया, यही सब किया जाता है। शुभ नाम प्रद्युम्न सिंह कविया है और मैं यहाँ पिछले करीब 20-25 साल से यहाँ डेली मंदिर में आ रहा हूँ, तथा मैं यहाँ डेली पूजा पाठ वगैरह काफ़ी कर जाता हूँ। मेरा गोवर्धन लाल तिवारी नाम है, मैं यहीं देर के बालाजी रहता हूँ और यहाँ हनुमान जयंती के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। सुबह सुबह अच्छी झांकी सजाई जाती है, काफ़ी दर्शकगण आते हैं यहाँ पे। सीमा यहाँ पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विशेष पूजा पाठ होती है, नवपुराण पाठ होता है, इसलिए सभी यहाँ पर आया करते हैं। इनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है और हर तरह के संकट का नाश करती है। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, संकट मोचन, अंजनी सुत, महावीर, कपीश, शंकर सुवन। असंभव कार्यों को भी चुटकियों में पूर्ण करने की क्षमता होने से ही वे संकट मोचन कहलाए। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदर कांड के पाठ को पढ़ना चाहिए, गुड़ चने के प्रसाद का वितरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र तथा समस्त हनुमान मंत्र इस दिन सिद्ध होते हैं। हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। मनोकामना पूर्ति और हर तरह के मंगल के लिए इमरती का भोग लगाना भी शुभ होता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की विधिवत पूजा पाठ करने से शत्रु पर विजय और मनोकामना की पूर्ति होती है। शुद्ध चित्त होकर इनकी भक्ति करने से सामर्थ्य व शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही सोया भाग्य उदित होता है। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं।